नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पाइस एंड फ्लेवर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। कढ़ी के लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने काट लिए हैं, कढ़ी पत्ता काट लिया है, ग्रेट कर लिया मैंने अदरक और लहसुन को, और कुछ कढ़ी पत्ता मैंने एज इट इज़ रहने दिए हैं। तो इनको मैं बाद में यूज़ करूँगी जब हम तड़का लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें अब मैं कटे हुए प्याज को मैं डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन हम लेंगे 2 कटोरी। इसमें मैंने 1.5 कटोरी डाल दिया है, थोड़ा अलग रख लिया है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी डालने की तो हम उसे भी डाल लेंगे। अब इन प्याज और बेसन को अच्छे से मिला लेना है और हाथों से इसको ज़ोर से दबाना है प्याज, ताकि मिक्स हो जाए बेसन और प्याज दोनों आपस में। और दूसरे वाला भी मैंने डाल दिया है बेसन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, और अब डाल रही हूँ अदरक। आधा डालूँगी, आधा मैं तड़के के लिए रख लूँगी। ऐसे ही मैं लहसुन को भी डालूँगी, आधा डालूँगी इसमें और आधा तड़के में डाल दूँगी, और कड़ी पत्ता हम बाद में डालेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक 1 चम्मच, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, थोड़ा पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे तैयार कर लिया है और इसको ढक के रख देंगे। अब हम लेते हैं लस्सी। मैं लस्सी से बना रही हूँ कढ़ी को। कई लोग दही से भी बनाते हैं, तो इसमें मैंने डाल दी आधी कटोरी बेसन की। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे कि बेसन ऊपर, मतलब ऐसे थोड़ा होता है ना कि ऊपर रह जाता है गोल गोल सा, तो वो सारा मिक्स कर लेना है, बिल्कुल घोल लेना है उसको। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों और 8-10 सीड डाल देंगे मेथी दाना, और अब डालेंगे हींग, नमक डाल देंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लस्सी। इसमें मैंने 1 कटोरी डाल दी है पानी की, इसको हिलाएंगे अच्छे से। इसको हिलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए उबलने ही वाली है। कढ़ी को उबाल आ गया है और अब हम गैस सिम कर देंगे और इसको एक साइड पे करने के लिए छोड़ देंगे, और दूसरी साइड हम अपने पकोड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है और उसमें बेसन को डाल देंगे। उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब भी पकोड़े बनाएं तो उसमें प्याज ज़्यादा ही रखेंगे और बेसन थोड़ा कम रखेंगे, तभी अच्छे पकोड़े बनते हैं। ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी निकाल रही हूँ।
टोटल मैंने चार बैच में ये सारे पकोड़े निकाल लिए और देखिए कितने क्रिस्पी और अच्छे पकोड़े बन गए हैं। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, पर हमने कढ़ी के लिए बनाया है तो इसलिए हम इसे अब डालेंगे कढ़ी में। कढ़ी को भी उबलते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं और अच्छे से घनी हो गई है। इसको फिर से हिलाएंगे अच्छे से और हम एक और तड़का तैयार करेंगे जिसमें हम तेल ले लेंगे, उसमें डाल देंगे 3 साबुत लाल मिर्चें और जो कड़ी पत्ता हमने रखा था उसको डाल लेंगे और अदरक डाल लेंगे, लहसुन को डाल लेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, उसको भी अच्छे से मिला लेंगे और ज़्यादा देर नहीं रखना है। अब हम इसे टर्न करते हैं तड़के को कढ़ी में, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। रेड, ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है उसको, ये ऑप्शनल है, ये अगर आपका दिल करता है तो डाल लीजिए, नहीं तो कोई इतना कंपलसरी नहीं है। ये देखिए अब इसमें डाल लेंगे कसूरी मेथी, उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। हमारी कढ़ी बनके अब तैयार हो गई है। इसको सर्व करेंगे हम बाउल में, या तो हम कढ़ी चावल के साथ भी इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऐसे अच्छे तरीके से बन गई है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।